पीएम मोदी ने किया राष्ट्र को संबोधित। कोरोना टीकाकरण पर की बात, कहा 100 करोड़ वैक्सीनेशन केवल आंकड़ा नहीं बल्कि कई सवालों का जवाब है। बस्ती में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, रिवॉल्वर ली ऑडिटोरियम में घुसा व्यक्ति, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बलरामपुर में बीजेपी नेता की हत्या से दहशत में लोग, लोगों ने घर से निकलना किया बंद, पुलिस ने दिया सुरक्षा का आश्वासन। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किसान की हत्या का किया खुलासा, आरोपी मामा भांजे को भेजा जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड 100 करोड़ गुरुवार को पूरा होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सुबह राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे सफलता भी मिली है। पीएम ने कहा कि कल भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है और 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा ही नहीं, यह देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है, साथ ही इतिहास के एक नए अध्याय की संरचना भी है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, कोरोना पर प्रहार जिस तरह से किया गया था, कल 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का वो पार हुआ। तीसरी तस्वीर आप आज की देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना पर मंत्र दिए हैं, कहा है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा करना संभव नहीं था लेकिन हमने संभव करके दिखाया है, आगे लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल सुरक्षा कर्मियों की और स्वास्थ्य कर्मियों की जो हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वो तस्वीरें आपके सामने। तो ये तीन तस्वीरें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, 100 करोड़ टीकाकरण पर बात की, साथ ही साथ लोगों को चेताया है, विपक्ष को चेताया है। विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा था उसके कई जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने, कोरोना पर प्रहार, मोदी मंत्र, सुरक्षा कर्मियों की हौसला अफजाई, स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई, जिन्होंने इस कठिन समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी की हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देश आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया आगे बढ़ रहा है और देश की गति भी आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, उनके सवालों का जवाब ये संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना पर एक असंभव जीत हमने हासिल की है 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पार करके, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आगामी त्योहार को लेकर उन्होंने देशवासियों को बधाई दी, साथ ही कहा कि दीपावली आने वाली है लेकिन दीपावली के मौके पर भी हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, जितना हो सकता है उतना दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस करना है, मास्क जरूर लगाना है और अगर जो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उनको दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वो भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, 20 मिनट का संबोधन और करारा जवाब विपक्ष को, दूसरी तरफ देश की जो ताकत है वो भी विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, विश्व को अवगत कराया है कि भले ही भारत विकासशील हो लेकिन जितने भी विकसित देश थे उन्होंने भी अभी तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है, लेकिन भारत ने ऐसा किया, भारत ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये बातें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक खास संदेश देशवासियों को दिया है। तमाम तस्वीरें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करें क्योंकि सावधानी अब भी बेहद जरूरी है, अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि चीन में एक बार फिर से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहां पर 14 केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा चीन के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि चीन चाहता है कि एक भी केस कोरोना का ना मिले, ऐसे में हमें भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जब 2020 की शुरुआत में कोरोना आया था तो ये कहा गया था कि चीन से ही कोरोना भारत में आया है, ऐसे में हमें और सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपना मंत्र दे दिया है कोरोना को लेकर, उसे समझने की और उस पर चलने की जरूरत है।
कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है, इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 25 अक्टूबर को बाबतपुर से रिंग रोड तक उत्सव का माहौल रहेगा। वहीं इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। बता दें कि पीएम मोदी बाबतपुर से रिंग रोड स्थित जनसभा स्थल तक सड़क मार्ग से आएंगे। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं और काशीवासियों की ओर से उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट से रिंग रोड तक प्रमुख स्थानों पर बटुक स्वास्थ्य वाचन के साथ शंखनाद भी किया जाएगा। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह खड़े होकर पुष्प वर्षा करेंगे। इसके साथ ही 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण पर पीएम के धन्यवाद के लिए होर्डिंग्स भी लगाई जाएंगी। तो 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत को लेकर, उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। तैयारियां बेहद तेज हैं, सुरक्षा के मद्देनजर भी, और साथ ही साथ होर्डिंग्स, बैनर्स, पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे की जाएगी। बताया जा रहा है कि बाबरपुर एयरपोर्ट से रिंग रोड के माध्यम से वो वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी में एक खास जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, काशीवासियों को पीएम से बेहद प्यार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशीवासियों को खासा पसंद करते हैं, लेकिन इस जनसभा का मकसद राजनीतिक है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में इस जनसभा को, इस यात्रा को, इस दौरे को सियासी माना जा रहा है। तो पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज देखने के लिए मिल रही हैं। उधर यूपी के बस्ती जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। योगी के कार्यक्रम से पहले ऑडिटोरियम में एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घुस गया। हालांकि ड्यूटी पर मौजूदा सीओ ने शख्स को देख लिया और ऑडिटोरियम से बाहर निकाल दिया। वहीं अधिकारियों के मुताबिक आरोपी शख्स की पहचान कर ली गई है। वहीं सीएम की सुरक्षा में लापरवाही के चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप भी मचा हुआ है। साथ ही लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया, जबकि 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। मामले में जानकारी लेते हुए एसपी ने बताया कि बस्ती में सीएम का कार्यक्रम था। वहीं इस दौरान सीएम के पहुंचने से 45 मिनट पहले एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ऑडिटोरियम में घुस गया था, जिसको फौरन बाहर निकाल लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑडिटोरियम में चेकिंग नहीं हो रही थी? 45 मिनट योगी आदित्यनाथ के आगमन को रह गए थे, उससे पहले ये शख्स पकड़ा गया। वहां पर जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे, क्या उन्होंने चेक नहीं किया था शख्स को? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, बाकी जो पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं उन पर लिखित कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि अगर इतने बड़े शख्स, सूबे के मुखिया जहां आगमन करते हैं वहां पर एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर पहुंच जाता है, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी क्या है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने लापरवाही बरती है। शख्स जो है उसकी भी पहचान कर ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बस्ती का ये पूरा मामला, जहां पर
सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। योगी के कार्यक्रम से पहले ऑडिटोरियम में एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घुस गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमित लाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम योगी बस्ती आए और यहाँ पर लापरवाही पुलिसकर्मियों की इतनी कि एक शख्स रिवॉल्वर लेकर अंदर घुस जाता है। जी, ये बस्ती जिले में जब संचारी रोग का सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा बस्ती से पूरे प्रदेश का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने का कार्यक्रम रखा गया था, जहां सीएम के आने से पहले 45 मिनट पहले ही एक भाजपा नेता के साथ युवक आया और वो लाइसेंसी असलहे को लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गया। जब कार्यक्रम स्थल से 500 मीटर दूरी पे पूरी तरह बैरिकेटिंग लगाई गई थी, कड़े सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि कैसे कार्यक्रम स्थल तक वह युवक पहुंचा असलहे को लेकर। उसी भी जब यह मामला अधिकारियों जब वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद तत्काल उसको हिरासत में लिया गया, जांच की जा रही है, वहीं यह मामला शासन तक पहुंच गया। अमित, क्या शख्स की पहचान हो पाई है? कौन था, रिवॉल्वर लेकर क्यों पहुंचा था? भले ही लाइसेंसी रिवॉल्वर था लेकिन क्यों पहुंचा, क्या मकसद था, कोई जानकारी? जी, इस पूरे मामले में भाजपा नेता गौर ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके प्रतिनिधि जटा शंकर शुक्ला जो भाजपा के नेता हैं, उनके साथ में वह युवक आया था। यह बताया जा रहा है कि उनका रिश्तेदार था, वह भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल में पहुंच गया। जबकि युवक की पहचान की गई है, यहां तक जिला प्रशासन लाइसेंस की निरस्ति, यानी अपनी ही पार्टी के मंत्री की लापरवाही थी यहाँ पर। जी, इसमें अपने ही पार्टी के भाजपा के ही नेता हैं, उन्हीं की लापरवाही की वजह से युवक वहां पहुंचा। और यह बताया जा रहा पुलिस अधिकारियों द्वारा कि उसको जानकारी नहीं थी कि लाइसेंसी वो भाजपा नेता कौन है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? अभी पुलिस अधीक्षक बस्ती इस प्रकरण में यही बता रहे हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये सुरक्षा में चूक हुई और जांच कर उस युवक के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, यह सवाल उठ रहा है क्योंकि सत्ता से जुड़ा व्यक्ति है। बिल्कुल, और जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनमें से 4 को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जब कोई भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचता है, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं जिसका जहां का ये पूरा मामला है, यहां पर भी हम देखते हैं कि एक चक्रव्यूह पूरा तैयार कर लिया जाता है प्रशासन की तरफ से पुलिस कर्मियों का, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। यहां पर इतनी बड़ी लापरवाही, तो सिर्फ 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में जांच की जाए तो इसमें और लोग, क्योंकि कार्यक्रम स्थल से 500 मीटर पहले ही पूरी तरह चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई थी। अब वहां जांच हुई कि नहीं उसकी, कैसे वह युवक कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक बस्ती ने 4 पुलिसकर्मी और गैर जनपद एसआई और एक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बस्ती पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले ही वहां पर उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने के लिए मिली है। चूक ये कि एक शख्स जो है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर पहुंच गया ऑडिटोरियम में। बताया जा रहा है कि किसी बीजेपी नेता का वो रिश्तेदार था। सवाल ये है कि उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? एक पूरा घेरा बनाया जाता है, उसके बावजूद सिर्फ 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि आगे जाँच की जा रही है, जाँच में क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना होगा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। सूत्रों के माने तो 23 अक्टूबर को लखनऊ से सटे बाराबंकी में प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बाराबंकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, किसान की कर्ज माफी, बिजली के दर आधे करने जैसे ऐलान कर सकती हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि प्रियंका गांधी इससे पहले कल ही ये कह चुकी हैं कि अगर उनकी सरकार आती है सत्ता में तो वो 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन देंगी और जो ग्रेजुएट होंगी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। इससे पहले टिकट बंटवारे को लेकर भी वो कह चुकी हैं कि 40% टिकट जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में
बनी हुई हैं, सक्रिय नजर आ रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रूबी सिद्दीकी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, एक बार फिर से कांग्रेस ने एक बड़ा दाव चला है इस हफ्ते में, अगर देखें तो एक के बाद एक कई पत्ते प्रियंका गांधी खोलती हुई नजर आ रही हैं। कितने मास्टर स्ट्रोक और बचे हैं प्रियंका गांधी के पास? काजल, देखिए सियासी दावपेच अब शुरू हो चुका है, क्योंकि समय के हिसाब से अब हर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और ये भी बता दूं कि अब लोक लुभावन वायदे जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 23 अक्टूबर को अब वो बाराबंकी भी पहुंचेंगे, यानी कि यूपी दौरा जो है उनका वो लगातार शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी थी जिसमें उन्होंने 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी है, सीटें निकालने की बात करी है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं, अभी उन्होंने ऐसे कई ऐसे वादे और किए हैं जिसके वजह से जो महिलाएं हैं वो तो उनकी तरफ आकर्षित हो, इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनके लिए भी वायदे इतने बड़े कर लिए हैं कि क्या वाकई मुद्दे वो खरी उतर पाएंगी या नहीं उतर पाएंगी। लेकिन जो चुनावी दावपेच है उसकी शुरुआत कर चुकी है प्रियंका गांधी, क्योंकि मास्टर माइंड मानी जाती है। हालांकि अब जो कांग्रेस के बागडोर है वो पूरी तरीके से प्रियंका गांधी के ही हाथ में है। जो प्रतिज्ञा यात्रा है इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ कहाँ तक ये यात्रा निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 12,000 किलोमीटर तक ये यात्रा चलती रहेगी? देखिए काजोल, अभी जो यात्रा को लेकर उन्होंने शुरुआत पहले उन्होंने बोला था कि पूरे यूपी में वो अपनी प्रतिज्ञा यात्रा को शुरुआत कर चुकी है और कई जगह भी जो बाकी रह गई है उन जगह को भी वो पूरा करेंगे। हाल ही में अभी 23 अक्टूबर को जैसे उनकी कार्यक्रम की सूचना जो मिल रही है, वो 23 अक्टूबर से 12 बजे जाएंगी, वहां पर उनके कई कार्यक्रम लगे हुए। इसके साथ ही साथ लखनऊ का दौरा उनका लगातार ही चल रहा है, और इससे पहले जो बात कर रहे हैं वो वाराणसी भी पहुंची थी, और अब यूपी के जो बाकी जिले बचे हुए हैं उन जगहों को भी लेकर उनका कार्यक्रम तय किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं, यानी कि जो पार्टी की मजबूती है उन्होंने खुद मान लिया है, जब तक वो मैदान पे नहीं उतरेंगी तो पार्टी को मजबूती नहीं मिल पाएगी। रूबी, आप लगातार फील्ड पर बनी रहती हैं, जनता से रूबरू होती हैं, जो प्रियंका गांधी लगातार दाव चल रही हैं, जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर महिला आरक्षण को ज्यादा मजबूती देंगी, 40% जो है महिलाओं के लिए सीट रहेगी, टिकट उन्हें मिलेगा। इसके अलावा कल जो फैसला लिया गया कि जो 12वीं पास छात्राएं होंगी उन्हें स्मार्टफोन और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, क्या इसका असर जरा भी दिखाई दे रहा है? क्या जनता खुश है, क्या महिलाएं खुश हैं? काजल, देखिए जनता को टटोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जनता देखने में कुछ और अपने भाव दिखाती है, और जब समय आता है मतदान करने का वो समय ही अलग होता है। लेकिन अभी जिन लोगों के बीच में इनकी बातचीत होती, मैं भी बता दूं, आगरा जब ये रास्ते में जब जा रही थी तो पुलिसकर्मी जो वहां पे थे उनको जो उन्होंने रोक रखा था उन्होंने खुद उनके साथ सेल्फी ली थी, उसके बाद ही उन पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अभी जो रुख है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो वायदे हैं, यानी कि कह सकते हैं जो अभी जो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है उसको देखते हुए जनता में थोड़ा बहुत तो आकर्षण जरूर दिख रहा है। लेकिन अभी समय है ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि वाकई में ये जनता कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। बिल्कुल रूबी, यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही कितने भी दाव पेश किए जाएं लेकिन जनता के मन को टटोलना अभी बेहद मुश्किल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूबी। तो 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है कांग्रेस, 12 बंकी से इसकी शुरुआत होगी और तमाम जिलों में ये यात्रा होगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत करने जा रही है और साथ ही साथ प्रियंका गांधी मजबूती से मैदान में उतरी हुई है, और इस यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी एक मजबूत संदेश भी यहां पर देशवासियों को और प्रदेशवासियों को देंगे। जिस तरह से एक मजबूत नेता के तौर पर वो भर रही हैं, उससे जरूर कहा जा सकता है कि जो कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं उससे क्या कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ सकती है। वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को केंद्र के 3 कृषि कानूनों का वास्तुकार बता दिया है, जिनके खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धू की टिप्पणी सिंह के उस बयान के 2 दिन बाद सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही वो अपना राजनीतिक दल बनाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि यदि किसानों के हितों से संबंधित मुद्दों का हल निकाला जाता है तो बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर विचार किया जा सकता है। पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि वो समान विचारधारा वाले दलों जैसे कि
टूटकर बने अकाली समूहों के साथ गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। सिद्धू ने कृषि कानूनों के अमल में आने पर खेती किसानी में बड़े उद्योगपतियों का दखल बढ़ने के किसानों के आरोपों के संदर्भ में ट्वीट किया और ट्वीट इस तरह था, तीन काले कानूनों के वास्तुकार जो अंबानी को पंजाब की किसानी मिलाए, जिन्होंने एक दो बड़े कॉरपोरेट के लाभ के लिए पंजाब के किसानों, छोटे विक्रेताओं और मजदूरों को बर्बाद किया। सिद्धू ने इस ट्वीट में अमरिंदर सिंह का नाम तो कहीं नहीं लिया, लेकिन इसके साथ उनका एक वीडियो साझा कर उन्हें कृषि कानूनों का वास्तुकार बता दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस वीडियो को शेयर करने पर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भड़क उठे। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर वीडियो पर स्पष्टीकरण देते हुए सिद्धू पर हमला बोल दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, नवजोत सिंह सिद्धू कितना धोखेबाज है, आप मेरी 15 साल पहले फसल विविधीकरण की वीडियो को कृषि कानून से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मैं अभी भी लड़ रहा हूं, जिसके साथ मैंने अपने राजनीतिक भविष्य को जोड़ा है। यानी कि दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दोनों के बीच जो खटास है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। जुबानी जंग लगातार बरकरार है और लगातार हमें एक के बाद एक दोनों की तरफ से कई ट्वीट, कई वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं चीन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैठ जमाना शुरू कर दिया है। वहां पर लगातार मामले बढ़ते दिख रहे हैं। इस वजह से चीनी सरकार सख्ती में आ गई है और कई कड़े कदम भी उठा लिए गए हैं। फ्लाइट रद्द की जा रही हैं, कई क्षेत्रों में स्कूल बंद हो रहे हैं और कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन भी लग रहा है। जानकारी मिली है कि चीन के उत्तर और उत्तर पश्चिमी शहरों में संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कुछ बाहर से आए यात्रियों को इस आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मास टेस्टिंग तो की ही जा रही है, इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए हैं। संक्रमण वाली जगहों पर इंटरमेंट जो वेन्यू है उन पर भी ताले लगा दिए गए हैं और कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन की भी नौबत आ गई है। फिलहाल जो मामले हैं वो सिर्फ 14 सामने आए हैं, लेकिन चीन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीन ने साफ तौर पर कहा है कि एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं मिलना चाहिए। अगर एक भी मामला मिलता है तो हम पूरी तरह से सक्रिय नजर आएंगे, फ्लाइटें रद्द कर देंगे, क्षेत्रों में लॉकडाउन की नौबत भी एक बार फिर से देखने के लिए मिल रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। क्रूज ड्रग्स केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से शुक्रवार को फिर से पूछताछ होनी है। वहीं से पहले भी गुरुवार को करीब 2 घंटे तक एनसीबी ने अनन्या से पूछताछ की थी। तो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। इस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि कल भी वो वहां पर मौजूद थे। तो अनन्या से आज फिर से पूछताछ होगी। 11 बजे का समय था, अभी तक अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जल्द ही दफ्तर पहुंचेंगी और फिर उनसे पूछताछ होगी। बता दें कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम सामने आया। वहीं एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर छापे मारकर उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं। तो कुछ ही देर में अनन्या एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी और फिर उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। हालांकि 11 बजे का समय था लेकिन वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो अनन्या से एक बार फिर से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि एनसीबी ड्रग्स मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है। दरअसल आर्यन खान के साथ उनके चैट जो हैं वो सामने आए थे, जिसके आधार पर कल भी 2 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। उनके पिता चंगी पांडे उनके साथ थे और आज भी जानकारी मिल रही है कि उनके पिता उनके साथ मौजूद हो सकते हैं। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है वो किस ओर जाता हुआ नजर आता है और किस किस के नाम सामने आ सकते हैं। तो अनन्या पांडे कुछ ही देर में एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। कल सिर्फ 2 घंटे की पूछताछ हुई थी, आज कई खुलासे हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। हरदोई में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने विपक्षी दलों को निशाने पर रखा।
और तंज कसते हुए कहा कि जो दल जातिगत राजनीति कर रहे हैं और जनता उनको नकार रही है। उन्होंने कहा कि दलों को जातिगत राजनीति से हटकर राष्ट्र के लिए काम करने की जरूरत है। वहीं अखिलेश यादव पर भी नितिन अग्रवाल ने तंज कसा और कहा कि वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में महिला नेताओं का ही सम्मान नहीं तो देश प्रदेश की महिलाओं का क्या सम्मान होगा। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात ना करे क्योंकि वो जब अपनी पार्टी के नेताओं को सम्मान नहीं दे पा रही तो देश प्रदेश की महिलाओं को सम्मान किस प्रकार मिल सकता है। किसानों का देखिए, किसानों का कोई आंदोलन नहीं है, ये कुछ राजनीतिक दलों के का प्रायोजित करा हुआ आंदोलन है। लखीमपुर में भी जो सामने कुछ तथ्य आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, वो कुछ राजनीतिक दलों के लोग थे जिन्होंने इसको प्रायोजित किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सरकार चाहे केंद्र की प्रदेश की किसानों के हितों में जो निर्णय लिए गए, चाहे उनकी एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया, चाहे खाद बीज देने का निर्णय लिया, चाहे आय बढ़ाने का निर्णय लिया, और खास तौर से किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार ने शुरुआत करी है, किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है। क्योंकि मैं खुद हम लोग फील्ड में रहते हैं, ऐसा नहीं है मैं भी फील्ड में रहता हूँ और मैंने देखा है किसानों को सुना है। मैं जिस गाँव में जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि किसे किसान सम्मान निधि मिली है, तो करीब 80% गाँव के किसान हाथ उठा के मुझे बताते हैं कि हमें मिल रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।